हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन वेलकम टू अन एकेडमी। सो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो भैया 2024 आ चुका है और देख रहे होंगे आप लोग धीरे धीरे अलग अलग जो भी बेटा गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी नोटिफिकेशन अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुका है। रीजन है उसके पीछे क्या भैया? इस साल इलेक्शन है बच्चा, और फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा ये लीप ईयर भी है, तो ये जो मौका है बेटा वो 4 साल के बाद ही आएगा। इसलिए इस साल अगर आपने बेटा मेहनत करके सिलेक्शन ले लिया तो ले लिया, नहीं तो बेटा फिर 4 साल क्या होगा, कुछ आधी वैकेंसी कुछ पौना वैकेंसी आती रहेंगी। तो माइंड में ये ध्यान रखिएगा कि इस साल ही किसी ना किसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी निकल रही है, चाहे बेटा वो सेंटर लेवल की हो चाहे क्या हो स्टेट लेवल की हो, ठीक है ना। तो जैसे देखिए आप लोग सेंटर लेवल में अभी असिस्टेंट की निकल चुकी है, सेल का, बीएसएनएल का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बेटा अपडेट आ चुका है, और एसएससी जेई और आरआरबी जेई तो भैया ये सबसे ऊपर ही है, टॉप पे सबको पता होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे एग्जाम बेटा क्या है इस साल आपकी लाइनअप है, अभी और भी वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है। तो भैया इस पे ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई सबके लिए अलग अलग नहीं होता है, बस थोड़ा सा कम ज्यादा सिलेबस होता है इन लोग का। तो इस तरह ध्यान रखिएगा कि 70 से 80% इन सभी का सिलेबस क्या होता है वो सेम होता है, तो आपको पहले उसको टारगेट करना है, उसको कंप्लीट करना है, फिर जो भी आपका सिलेबस बढ़ता है घटता है उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चा मैं आपको यही बताने आया हूँ कि देख भाई ये साल तेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू भैया मेरे से पढ़, किसी से पढ़, लेकिन पढ़ बेटा, ये साल तुम्हारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस साल किसी ना किसी वैकेंसी में आपको ज्वाइनिंग ले लेनी है बच्चा, ये दिमाग में रखकर पढ़ाई करिएगा, तभी जाके कुछ ना कुछ आपको बेटा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये बारी बताया बेटा ने एक सिंपल आपको जो अभी जो अपडेट आए इनके बारे में आ चुका है, अभी धीरे धीरे और आएंगे। और बात करते बेटा ना कि हम लोग का जो प्रिपरेशन होता है अनअकैडमी में, तो अनअकैडमी में बेटा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ये अलग अलग जो वैकेंसीज है उसके लिए हम लोग अलग अलग कोर्स नहीं निकालते, हमारा एक ही कोर्स चलता है, और उसमें क्या होता है बेटा सभी के सभी वैकेंसीज को हम लोग क्या करते हैं बेटा डील कर लेते हैं। तो जैसे कि बेटा देखो यहाँ पे जो ये मंजिल बैच है ये स्टेट जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, ये सभी को टारगेट करके इसमें डील किया जाता है सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को। तो ये बच्चा क्या है आपको अनअकैडमी पर क्लासेस इसके बारे में आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग कोर्सेस नहीं खरीदने होते हैं, कि अलग अलग आपके बेटा क्या आ गए, आपके अलग अलग फॉर्म आ गए तो उनके अलग अलग लोग कोर्स खरीद रहे हैं, सभी कोर्स के लिए एक ही आपको क्या करना है बच्चा लेना है कोर्स, और उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो बेटा हम लोग अनअकैडमी पर यहाँ पर एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 29th of Feb को, और बेटा उसके अंदर हम आपको बताना चाहते हैं भैया क्या क्या क्यों आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बेटा देखो आजकल निकल रहा है टाटा जेट से आपका बेटा क्या, आपको बहुत सारे प्राइवेट कंपनी के भी जॉब निकल रहे हैं, ठीक है यार उसमें भी जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन देखो यार जब अगर आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है कि सरकारी में ले लो तो ले लो यार, पहले उसको ऊपर रखो, फिर तो भैया प्राइवेट तो भैया पूरे जिंदगी भर करनी करनी है। अगर एक बार एज खत्म हो जाएगा तो होता है ना भैया हर सरकारी एग्जाम का एक क्राइटेरिया होता है एज का, वो खत्म हो जाएगा तो बेटा उसके बाद फिर प्राइवेट ही बचता है। तो इसलिए अगर आपकी एज है तो बेटा पूरा एफर्ट डालो सरकारी वैकेंसी, ये नहीं कि हम जेट एयर मतलब कि जो होता है ना आपका टाटा स्टील तो हाई फलाना ढंग का, वो तो बेटा एंड अप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए बेटा क्या है आपके बेनिफिट क्या होते हैं सरकारी जॉब्स के, उसके भैया क्या अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है, ग्रोथ अच्छा होता है बेटा, सिक्योरिटी रहती है भैया, कोई तुमको निकाल नहीं सकता आराम से, और आपका बेटा यहाँ पर क्या होता है सोशल इम्पैक्ट तो बढ़ता ही है, वो तो भैया तुम लोग यूट्यूब में देखते ही हो, बट उससे हम लोग को मैटर नहीं करना बेटा, मैटर होना चाहिए यार एक जॉब हमको लेनी है, ठीक है ना। अब बताते बेटा कि ये जो एग्जाम्स है वो कौन कौन यहाँ पर आपको दे सकता है, क्या क्या एग्जाम होता है बेटा ध्यान रखिएगा, जितने भी एसएससी जेई लेवल के पेपर होते हैं सेंटर लेवल के स्टेट लेवल के बेटा, उसमें उसमें 80% जो बेटा आपका सिलेबस होता है वो एसएससी जेई का होता है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि एसएससी जेई बेटा क्या करती है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनके लिए बेटा क्या करती है आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है। और आपको ध्यान रखना है बेटा एसएससी जेई का सिलेबस 80% और भी जितने भी आपके स्टेट के हो गए जेई के एग्जाम चाहे सेंटर के हो गए सबको वो आपको बेटा मैच करता है, तो सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो इसको रेफरेंस लेके चलता है, किसको एसएससी जेई को। इसलिए पहला आपका टारगेट होना चाहिए एसएससी जेई के एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसका बेटा एग्जाम भी आने वाला है, तो ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि आपको कैसे चीजों को बेटा सीखना है ताकि सिलेक्शन ले सको। बाकी बच्चा यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं, आपके पास ब्रांच होनी चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल का हो तो इलेक्ट्रिकल का, सिविल का हो तो सिविल का, मैकेनिकल का, और भैया यहाँ पर जितने भी आपके जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं बेटा सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, वन डे एग्जाम होते हैं। कोई अब आता पहले तो भैया क्या होता था कि आपका डिस्क्रिप्टिव भी था, अब तो वो भी चेंज कर चुका है, तो पूरा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, एक दिन में
आपका डिसाइड हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन के लिए मेहनत जो होती है बेटा वो पूरे साल भर की होती है, इसलिए थोड़ा सा एक राइट डायरेक्शन में आपको पढ़ने की जरूरत है। तो ये हमने यहाँ पे बता रखा है कि आपका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपका एसएससी जेई का, और एसएससी जेई की तरह बेटा मैक्सिमम एग्जाम्स का ही जो पैटर्न होता है वो आपको दिखेगा, नॉन टेक भी आता है, टेक्निकल भी आता है। तो आप एक चीज को तैयार करोगे बेटा आपको बहुत सारे एग्जाम्स साइड बाय साइड तैयार होते हुए चलेंगे। टायर टू के बारे में यहाँ पर बताया गया कि भैया टायर टू में क्या होता है, सिर्फ टेक्निकल होता है। मोस्टली क्या होता है बेटा जितने भी एग्जाम्स हैं 90% एक ही एग्जाम लेते हैं, एसएससी जेई क्या करता है बेटा दो एग्जाम लेता है, पेपर वन और पेपर टू, इसलिए इसके बारे में आपको दिमाग में रखना चाहिए। बाकी बच्चा यहाँ पर क्या है कि आपको बता चुका है बेटा कि एग्जाम का आपका नोटिफिकेशन भी आने वाला है एसएससी जेई का भी, तो और डेट तो आपको पहले से पता है कि भैया एग्जाम कब होगा, मई जून में। तो अपना जो माइंड सेट है उसको उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करिए बेटा प्लान कर लीजिए, ताकि पढ़ाई करो। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कि जरूरी नहीं है कि बेटा आप लोग को 10 कोर्स लेना है, आप एक ही कोर्स लो कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और भैया उसके लिए तुमको जी जान लगानी पड़ेगी, नहीं तो बेटा फिर से हर साल फॉर्म आई रहे, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो क्या है, बैचेस में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। आपको बेटा यहाँ पे जितने भी बैचेस मिलेंगे उसमें क्या होता है बेटा अप टू डेट आपको सिलेबस के बारे में बताया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है। तो वो जितने भी बेटा क्या है आपको फीचर्स होते हैं वो आपको प्लस क्लास में देखने को मिल जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बच्चा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बताया गया बच्चा क्या कि एसएससी जेई के एग्जाम्स के लिए जो भी आपको नोट्स और पीडीएफ्स या जितने भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं बेटा सब आपको प्लस क्लास में यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है बच्चा। और ये जो हम लोग के बैचेस है बेटा, जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 29th of February से, और ये सभी के सभी जितने भी जेई एग्जाम्स होते हैं उसको टारगेट करेगा बच्चा। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपकी क्लासेस जो होती है मंडे टू फ्राइडे होती है, 3 से 4 क्लास डेली होंगे बच्चा। और हम लोग यहाँ पर पहले से ही आपको क्या कर देते हैं, बता देते हैं भैया देख ये वाला सब्जेक्ट कौन लेगा, ये सब्जेक्ट कौन डील करेगा, सब कुछ पहले से ही आपको टाइम टेबल मिल जाता है कि भैया उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपने माइंडसेट को तैयार करो, सिलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। ये सारा बेटा क्या प्लान है, डिफरेंट टीचर्स है जो कि आपको बेटा डील करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये आपको पहले ही प्लस क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो आपको पता रहना चाहिए भैया आपके जो क्लास है आपका जो बैच है उसमें कौन कौन टीचर्स आपको पढ़ाएंगे बेटा। तो ये सारे टीचर बेटा आपको क्या करेंगे आपके बैचेस में डील करेंगे, आपको गाइड करेंगे और सिलेक्शन के लिए तैयार करेंगे, ठीक है ना। और बाकी बच्चा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको दिमाग में रखना है कि आप लोग प्लस क्लास के अंदर बेटा क्या कर सकते हो, लाइव चैट कर सकते हो, रेज हैंड कर सकते हो, बातें कर सकते हो बेटा, डाउट सॉल्व कर सकते हो अपने। और याद रखिएगा कि इसी के लिए आपको पढ़ना है बेटा, सिलेक्शन के लिए। बाकी बच्चा यहाँ पर आप लोग को बैचेस जो है जो मंजिल बैच है बेटा वो 29th of February से स्टार्ट हो रहा है, दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर ये बेटा क्या है प्राइजेस है डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए बेटा, ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है। और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बेटा कोड क्या यूज करना है, कोड यूज करना है कैपिटल में डबली गुरु, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत होती है बेटा यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉल कर सकते हैं। और ध्यान रखिए बेटा क्या ये सिलेक्शन है कुछ हम लोग के, और बहुत सारे सिलेक्शन बेटा ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक है, हम लोग का कोई ये नहीं होता कि पैसा देकर बुलाया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी बेटा लास्ट में याद रखिएगा कि भैया तुम बहुत कुछ कर लो लेकिन जो बेटा इन्वेस्टमेंट होता है पढ़ाई में वो आपको सबसे बढ़िया इंटरेस्ट देता है। मतलब तुमने यार एक साल पढ़ना है, 6 महीने पढ़ना लगातार जम के, तुमको साल भर का बेटा रिटर्न देगा वो, तो ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट माना जाता है पढ़ाई को, स्टडी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बेटा, ये आपको हमेशा लाइफ टाइम आपको इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट है बेटा रिटर्न देता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करो यार, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करो, ये ना कि तुम पढ़ते जा रहे हो भैया पता नहीं चला कहाँ तक चलेगा पढ़ते पढ़ते और जो मेन चीज पढ़ना था वही भूल गए, है ना, तो वो पढ़ाई नहीं तुमने, ऐसा नहीं करना, पढ़ाई करिए सिलेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। बाकी बच्चा ये नया बैच है, कोई भी दिक्कत आपको होती है पूछ सकते हैं बिंदास, रियलिस्टिक रहिए बेटा, ज्यादा हाव भाव मत करिए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए ऐसे ही आप लोग कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं, दिमाग को प्लान कर सकते हैं, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है बेटा, पढ़ाई अपनी तरफ से पूरे अच्छे से जी जान लगा दो और सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं बहुत जल्द इस तरह से, और आपको और भी चीजें अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस, ठीक है, थैंक यू सो मच।